सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म करो, ताप दो, पिघल कर वो फिर से जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन दुष्ट माटी से बने लोग उस पके हुए मटके के समान होते हैं कि जिनमें यदि एक बार दरार आ जाए तो वो स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें ताकि मतभेद ना। दुष्टों का समूह अपना नाश स्वयं ही कर लेता है। यदि कोयले की खान में जाओ तो चाहे जितनी भी सावधानी बरतो, अपने वस्त्रों पर कालिख लग ही जाती है। इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान, सज्जन शत्रु प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ है। कह दो मित्र जो कुछ भी तुम्हारे मन में। आप ही पढ़ लीजिए ना केशव, क्या है मेरे मन में। मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ मित्र, परंतु जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे तुम्हारे मुख से सुनना अच्छा लगता है। अब कह भी दो मैं, क्या है तुम्हारे मन में। मैं समय जो मेरे मन में चल रहा है वो ये है कि आपने मुझे पांडवों के पक्ष में आने का प्रस्ताव दिया था। हाँ, और तुमने उस प्रस्ताव को अस्वीकार